हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। इट इज़ फ्रॉम क्लास 8 मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट को हम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से कंपाउंड और इंटरेस्ट से आई, सी आई। इसका ए पार्ट है, रुपीज़ 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो मैंने जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एनुअली निकालते हैं तो रेट को हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अगर हम हाफ़ ईयरली निकालते हैं तो रेट को भी हम हाफ कर देंगे, और जैसे हमारा 3 ईयर्स है तो वहाँ पे हमारे 6 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब होता है हर साल इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज टाइम। हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर रखेंगे। प्रिंसिपल है 10,800, 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है 12.5 है, तो ये हो जाएगी हमारी 12 2 24 और 125/2%। 1 प्लस 25/2 × 100 ब्रैकेट क्लोज टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर्स, यहाँ पे लिख देंगे हम 3। अब हम अंदर का सॉल्व करेंगे, 25 और 100 यहाँ पे कट जाएंगे, 25 1 = 25, 25 4 = 100, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/8। 1 प्लस 1/8 को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 9/8। ठीक है, अब 9/8 हमारा कितनी बार है, 3 टाइम्स है। 10,800 मल्टीप्लाई करेंगे 9/8 × 9/8 × 9/8, यहाँ पे हमारा ये जो 10,800 है ये 8 की टेबल में कट जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार काट के दिखा देती हूँ, इस तरह से डिवाइड करके देख लेंगे आप हम इसको। 10,800 तो ये आ जाएगा 1,350। अब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 4 = 8, और 1,350 को भी हम 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 675। इसको भी हम डिवाइड करके देख लेंगे 2 से, ठीक है, यह भी आ जाएगा हमारा 675। अब हमने क्या करना है, 675 को 3 बार 9 से मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स अगर हम 9 करते हैं तो ये होता है 729। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा हमारा 492,075, और नीचे है 32, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 15,377.34। अब हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फार्मूला होता है अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना आया हमारा 15,377.34, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल कितना था 10,800, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4,577.34, ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारा है 15,377.34 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 4,577.34। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट करेंगे इसके, रुपीज़ 18,000 फोर 2.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर साल जोड़ा जाता है,
लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, टू तो कंप्लीट ईयर्स हैं और एक हाफ ईयर दिया हुआ है, रेट है 10%। हेयर टाइम इज इक्वल टू 2.5 ईयर्स, टाइम यहाँ पे क्या है, 2 साल और 6 महीने। फाइंड अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 साल के लिए हम अमाउंट निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। देन यूज़ दिस अमाउंट एज प्रिंसिपल, और जो अमाउंट आएगा उसको हम एज ए प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, और हम 6 मंथ्स के लिए, 1.5 ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सॉल्यूशन इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 18,000, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस, रेट है 10%, 10/100, ब्रैकेट क्लोज, टाइम कितना है 2 ईयर्स, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 1 प्लस 1/10 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 11/10। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे, 11/10 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम इसको 2 बार लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब हम 180 को 11 और 11 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 11 × 11 हो जाएगा 121, ठीक। तो 180 को हम 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 21,780 रुपये, 121/18। इक्कीस हज़ार 700 रुपये अमाउंट आ जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 18,000 पे लग चुका है। अब हम इसको प्रिंसिपल ले लेंगे क्योंकि हमें 6 महीने का, आधे साल का सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। नाउ प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा जो हमारा 2 साल के बाद अमाउंट आएगा, रेट कितनी है 10% है, टाइम कितना है 1.5 ईयर्स है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल कितना है 21,780 मल्टीप्लाई, रेट है 10 और टाइम कितना है 1/2 ईयर्स इनटू 100, हम इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से 1 कट जाएगा, 1,089, 2178 को हम 2 से भाग करके देख लेते हैं, 1089। अब हम अमाउंट निकाल लेंगे, 21,780 और 1089, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, इसको हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 22,869 रुपये। अब हम निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, अमाउंट कितना है 22,869 रुपये है और प्रिंसिपल है 18,000 रुपये, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 4,869 रुपये। तो हमारे इसके क्वेश्चन के 2 आंसर्स हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है 4,869 और अमाउंट है 22,869 रुपये। थर्ड पार्ट है, रुपीज़ 62,500 फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। स्टेटमेंट में दे रखा है कि हाफ ईयरली है, तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने के बाद इंटरेस्ट जुड़ता है इसके अंदर। तो जब हाफ ईयरली होता है तो हम रेट को भी हाफ कर देते हैं, और जो हमारा टाइम दे रखा है उसको भी हम हाफ ईयर्स में चेंज कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल है 62,500, रेट है 8%, हमने लगानी है हाफ ईयरली, तो ये हो जाएगी 8/2, 4% हाफ ईयरली। यहाँ पे ये एनुअली दे रखी है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारी हाफ ईयरली आ जाएगी। टाइम है 1.5 ईयर्स,
1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे? 3 हाफ ईयर्स होंगे, क्योंकि ये 18 मंथ होगा, तो 18 मंथ में 3 हाफ ईयर्स होंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1+रेट/100 ब्रैकेट क्लोज टाइम, प्रिंसिपल है 62,500 ब्रैकेट स्टार्ट 1+रेट है 4% 4/100 और टाइम कितना है 3 हाफ ईयर्स। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करके 3 लिख देंगे। 4/100 ये हमारा कट जाएगा 4 की टेबल में, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 25। 1+1/25 को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 26/25। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे, अंदर क्या आ गया हमारा 26/25 और बाहर है ब्रैकेट के 3, तो ब्रैकेट खोल लेंगे तो हमारा 3 टाइम्स आएगा 62,500 × 26/25 × 26/25 × 26/25। अब हम इसको काट देंगे, 62,500 को हम 25 की टेबल में काट देंगे। यह आ जाएगा हमारा 2,500। एक बार फिर से हम 25 की टेबल में काट देंगे, इजीली कट जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 100। अब 100 भी कट जाएगा 25 से, ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 × 26 × 26 × 26, यह आ जाएगा 70,304 रुपीस। तो अमाउंट कितना आ गया 70,304। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट है 70,304 और इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे 62,500 को, यह आ जाएगा 7,804 रुपये, यह आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है हमारा अमाउंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का डी पार्ट। ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहाँ पे भी हाफ ईयरली है, इंटरेस्ट 6-6 महीने के बाद जुड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, रेट है 9.2% हाफ ईयरली, 9 है एनुअली, 9 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगी हाफ ईयरली, टाइम है 1 ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, तो वे किसके इक्वल हो जाएंगे 2 हाफ ईयर्स। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट, प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये है, ब्रैकेट स्टार्ट 1+रेट कितनी है 9/2 × 100 ब्रैकेट क्लोज, टाइम कितना है 2 हाफ ईयर्स। इसको हम ऐड कर देंगे, 1+9/200 है तो ये हो जाएगा 209/200, 8,000 × 209/200 × 209/200, इसको हम काट देंगे, पहले तो ये 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो से कट जाएंगी, फिर 2 1 से कटेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 40। अब हम इसको आगे काटेंगे, 40 × 40 = 200, तो ऊपर है 209 × 209 और नीचे है 5, 209 × 209 नीचे है 5, ये हमारा डिवाइड करके आ जाएगा 8,736 रुपये 20 पैसे। अब हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट है 8,736 रुपये 20 पैसे और प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 736 रुपये 20 पैसे, अमाउंट ये आ गया और ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरिफिकेशन बाय सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा के वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा जो इंटरेस्ट निकाला है वो सेम आता है दोनों में, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से भी
या सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से भी सेम आता है या डिफरेंट आता है। प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, रेट है 9/2%, हाफ ईयरली है, टाइम है 2.5 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। प्रिंसिपल 8,000 रुपये, टाइम कितना है 1/2 ईयर्स और रेट है 9/9%। तो ये आ जाएगी हमारी 9 × 40, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगी 360 रुपये। यह आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। पहले हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 360 रुपये। अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकंड हाफ ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकंड हाफ ईयर हो जाएगा 8,000 में हम 360 रुपये जोड़ देंगे, 8,360 रुपये। ये हमारा सेकेंड हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट निकलेगा उसका हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, 8,360 × 9 × 1/2 × 100। काट देंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा और 836 कट जाएगा 2 की टेबल में, यह आ जाएगा 418। 418 को 9 से गुना करेंगे यह आ जाएगा 3,762, नीचे आएगा 10, 376 रुपये 20 पैसे। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 360 रुपये फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, और ये हो जाएगा फॉर सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 736 रुपये 20 पैसे। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से निकाला था, वहाँ भी 736 रुपये 20 पैसे आया था, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से निकाला है तो यहाँ पे भी 736 रुपये 20 पैसे आता है। बोथ आर सेम हैंस वेरीफाइड। तो दोनों फार्मूले से, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से निकाल लो या सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से निकाल लो, दोनों में इंटरेस्ट सेम आता है, सो इट इज़ वेरीफाइड। हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला था बहुत ही लेंथी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, यहाँ पे हमें कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला है इसमें हमें सिंगल टाइम ही यूज़ करना पड़ता है और इससे जो क्वेश्चन निकलता है बहुत ही कम टाइम में निकलता है। अब है इसका ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ई पार्ट। ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहाँ पे भी हाफ ईयरली है तो रेट कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर है तो 2.5 ईयर्स हो जाएंगे। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में यूज़ करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 10,000, ब्रैकेट स्टार्ट 1+, रेट कितनी है 4% है, 4/100, ब्रैकेट क्लोज, टाइम कितना है 2.5 ईयर्स। 4/100 कट जाएगा 4 की टेबल में, 1/25 आ जाएगा, और 1+1/25 को ऐड कर लेंगे ये आ जाएगा हमारा 25+1 26/25 मल्टीप्लाई 26/25 काट देंगे, 10,000 कट जाएगा 25 से 400 पे, दोबारा से कट जाएगा 425 पे 25 16 आएगा, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, अगेन 26 से, और ये आ जाएगा 10,816। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, 10,816 है हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल है 10,000, तो ये आ जाएगा हमारा 816 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।